वेलकम मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स इसके इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 11 अगस्त 2018 को IBPS RRB PO का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर अभियान की शुरुआत करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स के मॉक टेस्ट लगातार लिए जाएंगे और इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं होता जिसमें आप तुरंत टेस्ट दें और मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूं। इस पर बात करने से पहले मैं ये बताऊं आपको कि मैंने जैसा कि बार बार कहा है कि अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं सक्रिय हूं, वहां ढेर सारे मेरे लेसन्स हैं, वहां भी 86,000 से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं और वहां भी लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे लेसन्स खुले हुए हैं। वो ऐप अन एकेडमी का जो लर्निंग ऐप है जो डाउनलोड करते हैं उसमें देख सकते हैं। वहीं एक अन एकेडमी प्लस है जिसमें लाइव क्लासेस चलते हैं। इसके पहले मेरा एक लाइव क्लास हुआ था, कंप्लीट हो गया, अगला लाइव क्लास शुरू हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन आज उन्होंने दिया है तो मैं ये जानकारी आप लोगों को दूं कि ये नया जो कोर्स है वो 31 जुलाई से शुरू हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स के नाम से, न्यू चेंजिंग पैटर्न के मामले में। जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए है, क्योंकि बाद में आप कमेंट्स करते रहे कि अगला कोर्स आपका कब शुरू होगा, इस वजह से भी मैं जानकारी दे रहा हूं। तो ये हुआ उस लाइव क्लास के बारे में जानकारी। अब मैं आता हूं अपने इस सब्जेक्ट पर। तो मैंने पहले ही कहा कि यूट्यूब मेरी प्राथमिकता है, मैं इसे टॉप प्रायोरिटी में रखता हूं। जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है, खर्च करने का साधन नहीं है, पैसे होने पर भी वहां पर दूसरे साधन मौजूद नहीं है, उनके लिए मेरे यूट्यूब वीडियोस टॉनिक के समान हैं और जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं उससे मेरा हौसला भी बढ़ता है। अब मैं बीड़ा उठाता हूं SSC CGL और IBPS RRB PO के लिए। इसके साथ जो प्रीलिम्स एग्जाम संपन्न हुए यानी SBI क्लर्क और PO का, उनके मेन के लिए भी करूंगा। लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए मैं जो कुछ भी करूं, एक बात साफ है कि मेरे 1000 से ज्यादा वीडियोस में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिनसे आप सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए उन्हें आप लगातार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए और जो मॉक टेस्ट के रूप में दिया जाता है वो टेस्ट देते रहिए। हाँ, तो आज जो मैंने मिसलेनियस के 4 क्वेश्चंस लिए हैं वह 9 सितंबर 2017 को लास्ट ईयर IBPS RRB PO के प्री एग्जाम का आया हुआ ये मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार है और किसी भी स्तर में, किसी भी दृष्टि से इन क्वेश्चंस का स्तर SBI PO के या IBPS PO के लेवल से कम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस स्तर के तो उन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते जैसे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। निश्चित तौर पर आगे भी जो इस साल एग्जाम होना है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर का क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद बस उसका एप्लीकेशन करना होता है, तो इस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं आपको टाइम देता हूं 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट।
वंस अगेन वेलकम। शानदार क्वेश्चन थे कि नहीं, आपने इन्हें सॉल्व करने में एंजॉय किया कि नहीं, दिक्कतें आपको जो भी आई हो मैं अभी सॉल्व करूंगा, बताऊंगा व्हाट शुड बी द अप्रोच। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें, उनको भी समझ में आएगा। तो आइए एक एक करके बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है और जबरदस्त एप्लीकेशन है। देयर आर थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर्स एंड थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर्स। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। If the square of average of all the three given odd numbers is 5 and 7, less than the square of the average of all the three given even numbers, then what is the smallest odd number? कितना शानदार क्वेश्चन है, इसमें क्या टेस्ट नहीं होता, बताता हूं, मैं समझाता हूं, डिटेल में समझाता हूं। आइए देखिए, मान लीजिए, थोड़ा ऐसे समझिए कि ये 1, 2, 3 ये इवन नंबर है, ठीक है, और इसको इधर लिखता हूं, मान लीजिए कि ये ऑड नंबर्स हैं। हम लोग जानते हैं कि मिडिल वाले को एवरेज कहते हैं, तो यही एवरेज हुआ ना, यही नंबर एवरेज हुआ ना। हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज एक्स है और इसका एवरेज वाई है, लगातार है तो 2, 2 का डिफरेंस है। अब जस्ट क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर्स एंड थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर्स। ओके, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन होगा, ये वाला एक्स माइनस टू, ये कौन होगा, एक्स माइनस टू, ये एवरेज है। अच्छा, इज 9 मोर देन लार्जेस्ट ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन होगा, वाई प्लस टू। कहता है कि पहला कि ये जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो लार्जेस्ट ऑड नंबर जो है उससे ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 मोर है, यानी कि एक्स माइनस वाई की बात करें तो ये -2, -2, -4 उधर जाके 13। जल्दी बोलिए, यानी इसका एवरेज इसके एवरेज से 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है। चाहे तो हम लोग एक साथ भी वहीं कहीं लिख दे सकते हैं, लेकिन छोड़िए, अब हमारे पास समय नहीं रहा, अब तो आगे बढ़ जाना है। इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द थ्री ऑड नंबर्स is 5 and 7 less than the square of average of all three given even number, even number का square odd number के square से 507 ज्यादा है या वो कम है। हम जानते हैं कि a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b, और a minus b ये हम इसका value 13 जानते हैं, इसका value 13 जानते हैं इसका, तो 13 से इसे कैंसल क्यों न करते हैं, 3 जा 39 and 9 जा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 39 आया, x माइनस वाई 13 है, और जस्ट x को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, 40 का मीन 20, 12 का मीन 6, x अगर 26 है तो y क्या है, 13, और हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, दैट मींस स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मतलब ये वाला, ये पूछा गया है y माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट, तो y माइनस टू इज इक्वल टू 13 माइनस टू इज इक्वल टू 11 आंसर। क्या एवरेज में इससे कोई टफ क्वेश्चन हो सकता है, सोचिए। लेकिन यह भी बात सही है कि एवरेज के डेफिनेशन को जिसने समझ लिया, आत्मसात कर लिया, उसे इसमें भला क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट टास्क इन 15 डेज,
B is 50% more efficient than A. Both A and B started working together on the task, and after a few days, B left task, and A finished the remaining work, one third of the remaining work. For how many days A and B worked together? बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्लियर कॉन्सेप्ट खोजता है. बनाने का जो अप्रोच होगा वो ए किसी वर्क को, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बात करता हूं कि ए किसी वर्क को कर सकता है कितने दिनों में, 15 डेज में. ओके, और बी 50% मोर इफिशियंट है तो उसे लगेंगे 15 डेज इनटू, अगर उसकी एफिशिएंसी ए की 100 है तो बी की 50% ज्यादा है, 150 है, तो 150 बाय 100 या 100 बाय 150 में से कोई लिखना है. बी मोर एफिशिएंट है तो लेस टाइम लगेगा, लेस के का मतलब हुआ 100 बाय 150, मोर होता तो 150 बाय 100 यानी 10 डेज. जल्दी बोलिए, ए किसी वर्क को 15 डेज में कर सकता है, बी उसी वर्क को 10 डेज में कर सकता है. हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, 30 टोटल वर्क हमने माना 30 यूनिट्स, 30 का मतलब एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 एलसीएम या उसका कोई भी प्रोडक्ट. अब हम इनके वर्क के रेट के रूप में डिफाइन कर देते हैं. ए 15 डेज में पूरा काम कर सकता है यानी 30 यूनिट वर्क बना सकता है, 15 डेज में 30, इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट्स रोज बनाएगा, 2 यूनिट्स पर डे. मैंने खिलौना बनाना है, अगर 30 खिलौने बनाने हैं तो ए जो है टू टॉयज रोज बनाएगा, और बी 10 डेज में करता है तो ये 3 टॉयज रोज बनाएगा, यूनिट्स पर डे. बस प्राइमरी वर्क फिनिश्ड. सीधा क्वेश्चन पर आते हैं. देखिए क्वेश्चन का सिर्फ मैं मैप बता दूं तो आप समझ जाएंगे, मैप ओनली मैप. ए एंड बी दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं. ओके, शुरू करते हैं. कुछ दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया और ए करता रहा. इसने वन थर्ड वर्क किए, तो वर्क तो हम लोग लिख चुके हैं 30 यूनिट, यही टोटल वर्क है. तो वन थर्ड का मतलब क्या हुआ, 10 यूनिट्स, यानी रेस्ट 30 माइनस 10 यानी कि 20 यूनिट्स दोनों ने मिलकर किया. 20 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगा, तो ये दोनों मिलकर 2 + 3 = 5 यूनिट्स रोज बनाते थे, तो क्या 4 डेज ना लगा. 4 डेज आंसर, यानी कि सी इज द आंसर. बोलिए कितने शानदार क्वेश्चन हैं, समझ में आ गया होगा. आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट. थर्ड क्वेश्चन देखिए. ए बोट कैन ट्रेवल 9.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 36 मिनट्स if the speed of the water current is 10% of the speed of the boat in downstream, how much time will boat take to travel 19.2 kilometer upstream? Still water में speed को हम लोग u कहते हैं और current के speed को v कहते हैं, तो u plus v x होता है downstream speed, u minus v y होता है upstream speed. इन notations का इस्तेमाल करने से दिमाग में बैठा रहता है और आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं. बोट जो है 9.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तय करता है 36 मिनट में, तो एक्स डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, 9.6 किलोमीटर है ना, 36 मिनट्स में, तो 1 आवर में कितना, यानी 60/36 1 आवर में कितना, इसको ही किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, पर आवर. ठीक है, तो आप देखिए कुछ नहीं, 36 6 से 10 टाइम्स और 6 से यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर, x है 16 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन कह रहे जो करंट है ना उसका स्पीड v, ये 1/10 है,
वन टेंथ ऑफ एक्स है, 1.60 यानी 1.6 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताइए कि एक्स है 16 किलोमीटर पर आवर, यू प्लस वी को एक्स कहते हैं, तो यू हम आसानी से बता सकते हैं कि 16 माइनस 1.6 यानी 14.4 हुआ किलोमीटर पर आवर। और वाई किसे कहते हैं, यू माइनस वी, 14.4 माइनस 1.6 यानी कि 12.8 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बोलिए, वाई मालूम हो गया, क्या पूछा गया था फॉर, हाँ पूछा गया था हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो टाइम पूछा है वो 19.2 किलोमीटर को तय करना है 12.8 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे, थोड़ा डेटा देखते हैं तो जिस तरह का दिखता है उसको देखते हुए मन करता है एक साथ ऐसे ऑपरेट कर दें, इसका हाफ ऐड करेंगे तो यस डेढ़ घंटा क्यों ना बोले। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, टाइम को देख के जो लग रहा है ना, जो ऑप्शन दिए हैं उसको देख के लगता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1.5 टाइम्स और इससे ज्यादा है तो सोचिए कितना ज्यादा है हाफ, 6.4 ऐड कर दीजिए, यस डेढ़ गुना, तो समझ में आ जाएगा 1.5 आवर्स। और अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो फिर इसको कैंसिल करेंगे उसके बाद आएगा। तो ये समझ गए, ये था डी नंबर क्वेश्चन। आइए इसके बाद हम लोग लास्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1200। एक्स मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी ज्वाइन ए विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1500। इफ टोटल प्रॉफिट वाज रुपीज 1950 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज रुपीज 750 देन फाइंड एक्स। ये पार्टनरशिप का सिंपल क्वेश्चन है, टू मेथड से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड हम लोग बात करेंगे कि ए ने 1200 रुपीज, ए के लिए और बी के लिए, ठीक है, ए ने 1200 रुपीज लगाया, बिजनेस साल एक वन ईयर चला और वो अंत तक रहा, तो दिस इज फॉर वन मंथ। एक्स मंथ के बाद बी ने ज्वाइन किया 1500 रुपीज के साथ, तो रहा कितना, तो 12 माइनस एक्स, एक्स मंथ बाद ज्वाइन किया ना, 4 मंथ के बाद ज्वाइन करेगा तो 8 होगा कि नहीं, 12 माइनस 4, तो यही प्रॉफिट का शेयर होगा। और प्रॉफिट दिया हुआ है कि बी का शेयर 750 है और टोटल प्रॉफिट है 1950, तो ये 1950 में 750 लेस कर दीजिए तो ये 1200 आया। बस यही है, इसको सॉल्व कीजिए, ये 1200 पहले कैंसिल करने का मन करता है, इससे ये 2 टाइम्स मन करता है, 2 से 6 मन करता है, दिस इज 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, 6 मंथ्स आंसर, यानी कि बी आंसर। ये फर्स्ट मेथड है, यही मैं बना देता हूं सेकंड मेथड। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट हमने देखा, प्रॉफिट ए का 1200 है और बी का 750 है, यानी कि 2:1 है। कैपिटल का रेशियो क्या है, ये 1200 है और ये 1500 है, लीजिए इसको तो कैंसिल करना ही नहीं चाहिए था, बेकार कैंसिल किए, इसीलिए वेट किया जाता है कि वेट कीजिए, वेट करने से देखिए ये कितना था 750, क्या जरूरत है इसको कैंसिल ना कर दें, ऐसे ना कर दें 2:1, और ये 2 मीन्स 12 मंथ्स, दिस इज T1:T2, TA:TB, मतलब ए और बी का टाइमिंग, तो दिस इज हाउ मच इंटू 6, तो इंटू 6 यानी कि 6 मंथ्स, यानी कि बी आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा IBPS RRB PO या क्लर्क, इसके प्रीलिम्स में लैंग्वेज है ही नहीं, ओनली मैथ
एंड रीजनिंग, और टाइम भी कंपोजिट है, एक का टाइम दूसरे में दे सकते हैं, और मेन एग्जाम में भी हिंदी या इंग्लिश। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्वभाव इससे मैच करता है उनके लिए वरदान है। उठ खड़े होइए, 1 मंथ कम नहीं होता, पूरे जोर से लग जाइए, सिलेक्शन तो होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप।